आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो आम लिए हैं, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको कट कर लेना है। इसके ऊपर का जो हिस्सा है ऐसे गोल आपको काट के साइड में रख लेना है। अभी हमारा मैंगो इसे कट हो गया। अब इस आम में से हम इसकी गुठली निकाल लेंगे। आप स्पून की हेल्प से कर सकते हैं, आप स्पून का जो बैक साइड होता है उसकी साइड से आप इसको निकाल सकते हैं हेल्प से। ये देखिए, चारों तरफ से आपको जो आपकी स्पून की हेल्प से आपको चारों तरफ से इसमें गड्ढा कर लेना है, जहां जहां पे आपका गुठली का स्पेस है। अब इसमें से हम गुठली निकाल लेंगे। आप हाथ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल हो। ये देखिए, इस तरीके से आपको अपनी गुठली निकाल लेनी है। ऐसे ही हम अपने दूसरे आम के साथ भी करेंगे। ये देखिए, हमने जो हमारे मैंगोज लिए हुए थे उसमें से हमने गुठली एकदम से निकाल ली है, अच्छे तरीके से। आपको ये वाला स्टेप बहुत ही आराम से करना है, और इसके जो ऊपर का कैप था वो भी हमने संभाल के रखा हुआ है इसको ढकने के लिए। अब हम रबड़ी बनाएंगे जो इसके अंदर जाएगी, हम फिलिंग के लिए अब रबड़ी अपना जो है प्रिपेयर करेंगे। सो रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, आप चाहें तो पैन में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्लास दूध लिया है, आपको अपना गैस का फ्लेम हाई रखना है रबड़ी बनाते टाइम, हाई फ्लेम रखना है गैस का, और इसको आपको ऐसे हल्के हल्के हाथों से अपने चलाते रहना है अपने दूध को। ये देखिए, हमारा जो दूध है वो एकदम से गाढ़ा हो गया है। हमें इस तरीके से इसको चलाते रहना है और इसे एकदम रबड़ी की तरह गाढ़ा कर लेना है हमें चला के। बहुत ही टेस्टी लगती है मैंगो आइसक्रीम, आप एक बार ट्राई करना, बहुत ही लाजवाब बनेगी ये। मार्केट स्टाइल मैंगो आइसक्रीम घर पे बनाएं, लाजवाब लगती है। आप इस वीडियो को पूरा देखें किस तरीके से हमने मैंगो आइसक्रीम प्रिपेयर की है। और ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे इसमें शुगर। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून अपना चीनी। चीनी आपको अपने आम के अकॉर्डिंग रखना है कि आपके मैंगो कितने मीठे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो आम है बहुत काफी ज्यादा मीठे हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून यूज किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे फिर अपना लो फ्लेम पे से एकदम अच्छे से पकाना है। अब हमारा रबड़ी रेडी है। अब मैं इसमें अपना मिला दूंगी एक चुटकी इलायची पाउडर। इतना सही डालना है आपको, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है हमारा इलायची। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप अपना इलायची कूट के भी डाल सकते हैं, या फिर उसका फाइन पाउडर बना के भी मिक्स कर सकते हैं। इससे जो है बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है हमारी जो हम आइसक्रीम बना रहे हैं उसके अंदर। अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितना डार्क हो गया, एकदम रबड़ी जैसा मजेदार हो गया है ना। अब हम अपना फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर हम अपने आम में इसको फिल करेंगे। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रबड़ी एकदम ठंडा हो गया रूम टेम्परेचर पे। स्टफ मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पे अपने जो मैंगो हैं उसको ग्लास पे रख लिया है, ताकि वो स्टेबल रहे, हम फ्रीजर में रखे तो इधर उधर गिरे ना। अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे हमारा रबड़ी के साथ। ये देखिए, इसके अंदर जो हमने रबड़ी बनाया था उसको एकदम से भर देना है इसमें। देखिए, इस तरीके से आपको इसके अंदर स्टफिंग कर लेनी है अपनी रबड़ी की, और इसे पूरा फिल नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो आइसक्रीम है ये बनने के बाद थोड़ा सा और ऊपर उठ जाता है, तो इसलिए हमें इसको इतना ही फिल करना है, ज्यादा फिल नहीं करना है। ऐसे ही हम हमारे दूसरे मैंगो को भी कर लेंगे। सो ये देखिए, हमने अपने दोनों मैंगो को फिल कर लिया अपनी रबड़ी के साथ। जो शुरू में आपको कैप दिखाया था ना कट करके, अब हम उसको इसके ऊपर एकदम से अच्छे से टिका के रख देंगे। ये देखिए, इस तरीके से एकदम आपको कवर कर लेना है इस तरीके से। अब हम इसको रख देंगे फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए
कम से कम आपको यहाँ पे रखना है इसको 8 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए। अगर आपके मैंगो ज्यादा मीठे हैं तो आपको 10 घंटे के लिए कम से कम रखना ही पड़ेगा। चलिए अब हम इसको फ्रीजर में रख देते हैं फ्रीज होने के लिए। तो गाइज देखिए हमें 10 घंटे हो गए हैं, मैंने 10 घंटे बाद ये फ्रीजर से निकाल दिया है। अब हम इसको छीलेंगे। तो गाइज देखिए हमने इसके अंदर रबड़ी भरी थी वो सब जम चुकी है। ये देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। अब मेरी मम्मी इसका छिलका उतारेंगी। बहुत ही हल्के हाथ से आराम से आपको इसे करना है। ये देखिए इसी तरह से। तो देखिए गाइज हमने अपने दोनों आम, जो हमारी स्टफ मैंगो कुल्फी है, वो हमने दोनों ही छील लिए हैं दोनों आम को। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसका टेक्सचर देखिए अंदर की रबड़ी। गाइज हम आपको इसे काट कर दिखाएंगे। देखिए गाइज इस तरह से आपको इसकी पतली स्लाइसेस काटनी है। ये देखिए वाओ, मतलब आप कलर और इसका टेक्सचर देखिए गाइज, एकदम मार्केट जैसा। यकीन मानिए गाइज आपको इस तरह का एकदम प्योर फ्लेवर कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप मार्केट से ये रबड़ी मैंगो स्टफ कुल्फी लेने जाते हैं तो ये एक आम जो है वो आपको 300-400 रुपए का पड़ता है। और ये देखिए हमने सस्ते में इसको कितनी आसान तरीके से बना लिया।